उस हिसाब से तो फिर पापा मुझे भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि बुरे दिन तो आपने भी दिखाए बिना बात के मालविका से लड़ने के लिए, थैंक यू। अनुज और मम्मी से दुश्मनी लेने के लिए थैंक यू, और उस दुश्मनी की वजह से अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को जला देने के लिए पापा थैंक यू। आपके अपने पर्सनल गुस्से की वजह से मेरा पूरा करियर, मेरा फ्यूचर बर्बाद कर देने के लिए थैंक यू पापा, थैंक यू। तूने कभी अपनी माँ की इज्जत नहीं की तो कम से कम अपने पिता की कर लेता। शिकायत करनी है कर, पर जरा तमीज मेरे कर। बेचारा तोशु, करे भी तो क्या करे, आराम से बात करने की कोशिश भी करे तो नहीं कर सकता है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो इनका बेटा है। तोशु, तुम उस छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो जो अपनी पापा की गोद में चढ़कर कंप्लेंट्स करता रहता है कि पापा आप यहाँ नहीं लेकर गए, पापा आप सर्कस नहीं गए, पापा आप मार्केट नहीं लेकर गए। अरे जब पापा के रास्ते से इतनी ही प्रॉब्लम है तो उनकी गोद से उतरो डैमेड। यू 27 तोशु। मुझे मेरी उम्र पता है किंजल। पता है ना, देन एक्ट लाइक इट। अरे 2 साल का बच्चा भी उंगली छोड़कर चलना सीख जाता है, तुम कब तक अपने पापा के कंधे पे चढ़े रहोगे? ठीक है, मैं अब पापा के साथ काम नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम अब मॉम के साथ काम करना चाहते हो। तुम अब भी अपने पैरों पे खड़े नहीं रह रहे हो तोशु, तुम सिर्फ गोद बदल रहे हो। किंजल प्लीज बेटा, तोशु अभी गुस्से में। गुस्से में हूँ लेकिन सब कुछ क्लियरली देख पा रहा हूँ, सब कुछ क्लियरली सोच पा रहा हूँ पापा, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपके गुस्से, आपकी ईगो की वजह से हुई बर्बादी दिखाई दे रही है, आपकी दुश्मनी की वजह से छिने हुए मौके दिखाई दे रहे हैं मुझे। मुझे आप जैसे ईगोइस्टिक आदमी के साथ कभी काम नहीं करना पापा, और मुझे तो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है ना पापा, क्योंकि आपने तो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कभी सोचा ही नहीं। Exactly. क्योंकि सोचा होता ना पापा तो हमारी हालत ही नहीं होती। ए तोसु, तेरे पिता ने भले ही सबके साथ गलत किया हो लेकिन तेरे साथ हमेशा हमेशा सही किया है। तुम अब भी इनकी साइड ले रही हो? मैं इनकी तरफदारी क्यों करूंगी, मैं तो जो सच है वही कह रही। मिस्टर शाह गलत है, पर जो अभी तोसु कर रहा है ना वो उससे भी ज्यादा गलत है, बिल्कुल गलत। अगर मिस्टर शाह ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई रिश्ता बड़ी शिद्दत से ईमानदारी से निभाया है तो वो है उनका और तोसु का, और आज देखिए वही रिश्ता पलट के उन्हें जवाब दे रहा है, आंखें दिखा रहा है। इसे कर्मा कहते हैं। आप लोग यहाँ जो कहते होंगे कहते होंगे, हमारे यहाँ तो इसे बदतमीजी कहते हैं। आप प्लीज अपने ज्ञान के मोती अपने पास रखिए, मेरे तो माँ बाप दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अच्छा, और तूने तो जैसे हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है ना, संतान का सब सुख दिया है हमें, सम्मान दिया है हमें। हा? नहीं दिया, और क्यों दूं? आप दोनों ने आज तक दिया ही क्या है मुझे? आप दोनों तो ढंग से माँ बाप भी नहीं बन पाए। और ये बात तू हमें सिखाएगा? तू जो अपनी होने वाली संतान को इस दुनिया में आने तक नहीं देना चाहता वो हमें सिखाएगा कि माँ बाप बनना क्या होता है। वाह मम्मी प्लीज, मुझे बकवास में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मॉम प्लीज, मुझे जॉब चाहिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई नीड योर हेल्प, प्लीज हेल्प। अरे बेटे ऐसा नहीं, जा अपना नाक रगड़, उनके पैर पकड़ और अपना अपमान करा। अरे अपना क्या, अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का, पूरे खानदान का अपमान करा। अगर जरूरत पड़ेगी ना बा तो वो भी करूँगा। ओ मेरा बच्चा, मैं हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हाँ बट लेट मी थिंक। Mom, please. I really need it.
अकड़ू वनराज और ज्ञान की देवी अनुपमा का बेटा और सबसे ऊंची नाक वाली लीला बेन का पोता और मेरा अपना दामाद मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा है तो सोचना तो पड़ेगा ही ना। चूंच वाली मैं हूं ना। एनीवेज वो मैं अपनी बेटी के लिए इंपोर्टेड फ्रूट्स लेकर आई थी। फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डाल दीजिएगा #imported fruits, शायद थोड़ी इज्जत बढ़ जाए। बाय बेटा एंड किंजल, फ्रूट्स तुम्हारे लिए लाई थी सिर्फ। नागिन का जहर तो उतारना ही पड़ेगा। उसका गुस्सा जरा शांत हो जाए तो उसे समझाइएगा। पर सख्ती से, पौधे को छांव की भी जरूरत होती है और धूप की भी। आपने तोसों को हमेशा छांव ही छांव दी है, अब धूप दिखाइए ना, जरूरी है। राखी बहन को तो चुप करा दिया और वो भी वही कह रही थी जो मैं कहती हूँ। कर्म लौट कर सामने आते हैं, ताना नहीं दे रही, बस कह रही हूं कि हो सके तो इन कर्मों का अकाउंट बंद कर दीजिए, वरना यही होता रहेगा जो आज हुआ है। बाकी आपकी मर्जी। आजो, तुम भी लड़ लो मुझसे। आओ। नहीं लड़ना, मुझे तुम जैसे इंसान के साथ नहीं लड़ना, क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ लड़के मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। किंजल, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। Don't you dare! खबरदार जो मेरे बच्चे को बीच में लाए। तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, फिर चाहे वो लड़ना हो, दोस्तों के साथ मारपीट हो, मम्मी पापा के साथ बदतमीजी हो, या मेरी मॉम से भीख मांगना। सो प्लीज, मेरे बच्चे का बहाना बना के अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। सेल्फ सेंटर्ड और बदतमीज तो तुम पहले से ही थे, अब थैंकलेस भी बन गए हो। अपने लिए, मेरे बच्चे के लिए नहीं। मेरा बच्चा? हाँ मेरा, क्योंकि तुम हमारा कहने लायक नहीं हो। हाँ, मैं ही बुरा हूँ। इस पूरे घर में सबसे बड़ा नालायक मैं हूँ। तुम लोग सब परफेक्ट हो। कुछ I am the loser.